किसान आंदोलन पर एआईजी मनीषा चौधरी ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब से लगी सभी सीमाओं पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें जानकारी मिली कि किसान विरोध स्थल पर भारी मशीनरी लेकर आए हैं और हमने पंजाब पुलिस से ऐसी मशीनरी को अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है। हम किसानों से फिर से अपील करते हैं कि वे विरोध स्थल पर भारी मशीनरी ना लाए। वे अपनी मांगों के संबंध में हमें ज्ञापन सौंप सकते हैं। हम पंजाब पुलिस के साथ नियमित संपर्क में हैं और उनके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है कि इस प्रकार की सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं, तो इस संबंध में हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार की मशीनों को जो है बॉर्डर तक ना पहुंचने दें। और हम प्रदर्शनकारियों से भी अपील करते हैं, और चूंकि उन्होंने खुद भी इस प्रकार की घोषणा कल शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अपील का हम स्वागत करते हैं और हम उनसे एक बार दोबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरनास्थल पर ना लाएं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे रखें, किसी प्रकार की उनकी कोई मांगे हैं तो वो हमें ज्ञापन दें।